आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने देखा कि किस तरह गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखेंगे। अरे वाह, आज तो कैंटीन में भोजन के साथ दही भी मिल रही है। मुझे माँ ने रोज कम से कम 100 ग्राम दही खाने को कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मानस, क्या इस कटोरी में 100 ग्राम से ज्यादा दही होगी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम इसका उत्तर गणित के द्वारा जरूर ज्ञात कर सकते हैं। ये गणित का समय है। देखो थॉमस, कटोरी अर्ध गोलाकार है और इसमें जितनी जगह दही घेर रही है वो उसके आंतरिक आयतन के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें इस कटोरी का आंतरिक आयतन ज्ञात करना होगा। कटोरी का आंतरिक व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी आंतरिक त्रिज्या इसके आंतरिक व्यास का आधा या 4.2 सेंटीमीटर है। अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का सूत्र 2/3 पाई और आर के घन के गुणनफल के बराबर है, जहां आर अर्ध गोले की त्रिज्या है। अब मैं यहां आर की जगह कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर लिखकर जल्दी से हल कर लेता हूँ। अर्ध गोलाकार कटोरी का आंतरिक आयतन 155.23 सेंटीमीटर घन है, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर घन 1 मिलीलीटर के बराबर है, हम कह सकते हैं कि कटोरी का आंतरिक आयतन या दही का आयतन 155.23 मिलीलीटर है। मानस, हमें कटोरी का आंतरिक आयतन या दही का आयतन तो ज्ञात हो गया, लेकिन हम इससे दही का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान आयतन और घनत्व का गुणनफल होता है। हमें दही का आयतन ज्ञात है और हम ये भी जानते हैं कि दही का घनत्व लगभग 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो बस हमें इस द्रव्यमान के सूत्र में दही का आयतन 155.23 मिलीलीटर और घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर लिखकर इसे हल करना होगा। देखो थॉमस, हमें हमारा उत्तर मिल गया। कटोरी में 155.23 ग्राम या लगभग 155 ग्राम दही है। अरे वाह मानस, और ये तो 100 ग्राम से अधिक ही है। इसका मतलब तुम रोज एक कटोरी दही खाकर अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर सकते हो। बिल्कुल, अब चलो हम अपनी दुनिया में लौट चले और फिर तुम भी मेरे साथ रोज एक कटोरी दही खाना, ताकि हम दोनों की सेहत हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको गोले और अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की अच्छी समझ हो गई होगी।